नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल यानी कि नंदिनी अंडास्ते के चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैंने ना बिंदी लगा रखी है लेकिन दिख नहीं रहा है, तो शाम का समय हो रहा है और आइए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ मैं कर क्या रही हूँ। काली चाय, तो काली चाय मैं पी रही हूँ। दूध का अभाव हो गया मेरे घर में, अभाव कमी। चाय पियोगे? काली पी लो। भैया हम तो हर चीज में वो कर लेते हैं, चाहे दूध वाली हो चाहे काली हो। तो यहाँ पे दोस्तों हो चुका है गुड मॉर्निंग और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, अपने लिए चाय बना रही हूँ और आलू के पराठे बना रही हूँ नाश्ते में। और अभी नाना दाना कुछ भी नहीं हुआ है, यहाँ पे आस्था खेल रही है। क्या कर रही हो? क्योंकि संडे का दिन है। देखिए मैंने अपने किचन का ना लुक ही चेंज कर दिया है और यहाँ पे पर्दा लगा दिया है मैंने, ताकि अब सर्दियों का दिन आ रहा है वहाँ से हवा यहाँ ना आए, इसलिए ऊपर से ना ये बिछ रखा है ये, और यहाँ से पर्दा है। तो आलू के पराठे मैं सुबह नाश्ते के लिए बना दे रही हूँ और ये दूसरा ही पराठा है जो कि मैं सेक रही हूँ। पहला वाला जो पराठा था वो आलू गीले होने के कारण खराब हो गया था, और ये दूसरा पराठा है जो कि ये बहुत अच्छी तरह सिक जाएगा और फूल भी जाएगा। ये देखिए, तो जब पराठा फूल जाता है तो बहुत अच्छा लगने लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी टेस्टी लगता है। और मैं आज गैस पे नहीं सेक रही हूँ पराठे, और चूल्हे पे ही सेक रही हूँ। आलू के पराठा के साथ जो सबसे मेन होता है ना, वो होता है चटनी। तो चटनी अगर टेस्टी हो और आलू के जो पराठे बन रहे हो वो चाहे सिंपल भी हो, लेकिन चटनी टेस्टी चटपटा होना चाहिए। बात फिर से मैं और आस्था जा रहे हैं चंखुरी, और चंखुरी जाने के लिए हमने यहाँ पे कपड़े ले लिए हैं, ये जो कपड़े रखे हैं, और जा रहे हैं चंखुरी। बिंदी भी नहीं लगाई है मैंने। तो ये सभी मुसाफिर निकल चुके हैं अपनी राह पे, इनकी जो राह है वो है कपड़ा धोना, और मंजिल इनकी चंखुरी है। तो चलिए चलते हैं चंखुरी और आप सभी को पूरा ही रास्ता दिखाते हैं और अगल बगल के घर दिखाते हैं। तो ये बगल का घर था और ये बीच का रास्ता है, अब हम जा रहे हैं और सीधे सीधे अब ना खेत आ गया है और हमारा गांव पार हो गया। यहाँ से हमारा गांव जो है पार हो गया, ये हमारा गांव का मतलब बॉर्डर है और ये खेतों का बॉर्डर है, मतलब बीचों बीच वहीं पे अभी हम खड़े हैं। तो ये देखिए गांव उस तरफ है और इस तरफ चंखुरी है, तो हम सीधे आते जा रहे हैं, वो जो सांप वाला रास्ता होता है ना उससे आ रहे हैं। यहाँ पे मेरी जेठानी जी हैं, ये मेरी जेठानी जी हैं, पूरा ही मुंह ढक के चल पा रही हैं, मैं तो मुंह ढक के पूरा नहीं चल पाती हूँ। और यहाँ पे देखिए हम चंखुरी में अब पहुँच चुके हैं और सभी लोग अपने अपने कपड़े धोने की तैयारी में लग चुके हैं। वैसे मेरे इतने कपड़े नहीं थे लेकिन मैं नहाने के लिए आ गई थी। अच्छा भी लगता है क्योंकि चंखुरी में, क्योंकि मैंने बचपन से कभी भी नदी वदी में नहीं नहाया है, तो यहाँ पर थोड़ा सा पानी ऐसे स्विमिंग जैसा दिखता है तो बहुत अच्छा लगता है और नहाने का मन मुझे भी कर। तो लेकिन मेरे पास भी एक कपड़ा था जो कि बड़ा था और घर पे धोने में दिक्कत होती, तो मैं सोची कि चलो उसे ही चंखुरी ले चलते हैं, वो भी साफ़ हो जाएगा और साथ के साथ मुझे भी अच्छा लगेगा। थोड़ा बोर हो रही थी इतने दिनों से, कुछ काम नहीं था। तो ये देखिए यही है वो बड़ा सा कपड़ा जिसे मुझे धोना है, और आस्था जो है ना पर्दा लेके उधर धो रही है। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है कपड़े को और इसमें मैंने निरमा पहले ही मिला दिया था, और अब मैंने साबुन ले लिया है और साबुन लगा के इसे साफ कर दूंगी, उसके बाद पानी से धोएंगे। तो बड़े कपड़ों को चंखुरी में आके धोना बहुत इजी हो जाता है, मात्र एक ही बार आपको ऐसे धोना पड़ता है। और अगर आप घर में धोते हैं तो पहले इस बाल्टी में डुबाओ, फिर उस बाल्टी में डुबाओ, फिर उस बाल्टी में डुबाओ, तो उसमें मेहनत भी बढ़ जाती है और हो जाता है दिक्कत। लेकिन चंखुरी में आके एक ही बार में आपने कपड़े को डुबकी लगाई और यहाँ पे देखिए निचोड़ के
मैं साइड करके रख दूंगी, और साइड करके रख दूंगी इसलिए ताकि धूप लगते लगते जो इसका पानी है वो निचुड़ जाए, क्योंकि यहाँ से घर तक ले जाने में ना हवा टाइट हो जाएगी, और ये क्योंकि भारी है और कपड़ा मतलब पानी सोख लेता है ना तो भारी हो जाता है, तो इसके कारण अभी निचोड़ के रख दिया है ताकि ये जो कपड़े धुल रही हूँ ये सब धुलते धुलते वो सारा पानी उसका गिर जाए और वो हल्का हो जाए ताकि ले जाने में मुझे दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं इन सभी कपड़ों को भी मैंने साबुन वाबुन से लगा के धो दिया था और अब मैं इन्हें निचोड़ ले रही हूँ, तो मैं पानी में ही बैठ गई हूँ और वहीं पर धोई जा रही हूँ, और ये मैंने एक ये बर्तन ले रखा था इसमें रखती जा रही हूँ, और इन कपड़ों को अभी मैं फिर धूप में ऐसे लटका के रख दूंगी ताकि इनका जो पानी है वो निचोड़ता जाए और ये भी हल्के होते जाएं। तो यहाँ पे देखिए सभी लोगों ने ऐसे ही कपड़े रख रखे हैं, क्योंकि रास्ता दूर पड़ जाता है तो भारी चीज़ नहीं उठाई जा सकती है। तो यहाँ पे सभी बच्चे, मेरी जेठानियाँ की जो लड़कियाँ थी वो भी आई हैं, दो लड़कियाँ हैं उनकी, तो वो भी आई हैं, वो भी हेल्प करा रही थी। और ये देखिए हमारा गाँव, तो गाँव उस तरफ है और इस तरफ हम हैं, लेकिन आपको वीडियो में लग रहा होगा कि पास ही है गांव, लेकिन पास नहीं था, दूर था। रख दो मम्मा दो यहाँ। तो मुझे पानी में डुबकी मारने नहीं आती है और कहीं मैं तैर भी नहीं पाती, इसलिए मेरी जेठानी ने मेरा हाथ पकड़ रखा है ताकि मैं डूब ना जाऊं, तो मैंने उनके हाथ पकड़ के और अच्छे से डुबकी मारने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे पानी कम है और वो मुझे डुबकी मारने के लिए बोल रही है, लेकिन नहीं डुबकी नहीं मार पाई मैंने, मुझे अच्छे नहीं मतलब नहाना हो पाया ढंग से। अब हमने सारे कपड़े धो लिए, कपड़ों का पानी निचोड़ चुका है, तो अब हम जाने के लिए रेडी हो गए हैं और सारे बच्चे जाने के लिए तैयार हो गए हैं, और जेठानी जी के पीछे पीछे मैं चलती जा रही हूँ, और यहीं पे चंखुरी पे ना हाँ देवी देवता हैं, गांव के लोग जो लोग हैं वो यहीं आके पूजा पाठ करते हैं, कुछ भी त्यौहार व्रत कुछ भी हो तो यहाँ पे ज़रूर दिया जलाने आते हैं वो लोग, गाँव के सभी लोग, मैं भी आ चुकी हूँ कई बार। तो ये देखिए रास्ता भी कितना प्यारा है ना, सांप जैसा बना हुआ रास्ता है, और यहाँ अगल बगल खेत है और गांव उस तरफ है, तो गांव की तरफ अब जा रहे हैं। यहाँ पे आस्था, आस्था ने खूब नहाया आज, और घर से नहा के आई थी और फिर यहाँ पे आके गिर गई, गिरने का इसे शायद उसने ढोंग किया था मेरे ख्याल से ताकि उसे नहाने को मिल जाए। और ये देखिए हमारे गाँव के घर, और हमारे गाँव में हर कोई ना नीले रंग से ही अपने घर को कलर करता है, जैसे कि आप ये सामने वाला घर देख रहे हैं नीले कलर से कलर हो रखा है, और भी जो आप घर देखेंगे ना वो नीले ही कलर से होता है, लेकिन आजकल लोग अपने अपने मन से कलर कर लेते हैं, कोई गुलाबी कोई हरा ऐसे कलर करने लगा है अब, लेकिन पहले के जो लोग थे वो सिर्फ नीले ही कलर से करते थे। तो ये देखिए हमारे गांव का व्यू कितना ही प्यारा लग रहा है। तो अब हम बस घर पहुँच ही चुके हैं, जो रास्ता था वो कवर हो गया है, और यहाँ पर आस्था आते ही दिए जलाने लगी, मैं भी इसे देख के शॉक्ट में पड़ गई थी कि इसे आते ही दिए जलाने का ध्यान आ गया, और यहाँ पे ये दिए जला रही है, तो मैंने कहा तुम रहने दो मैं जला देती हूँ, तुम अगरबत्ती जला देना। तो आज का ब्लॉग आप सभी को कैसा लगा है, आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करें, तुम रहने दो मैं वीडियो है वो भी आप देख सकें। यहाँ पर मैं दिया जला दूँगी और मैं भी पूजा पाठ कर लूँगी, और आज बहुत ज़्यादा आनंद आया, मज़ा आया, जब अपनी फैमिली के साथ हम कहीं जाते हैं ना तो इन्जॉय करते हैं, अच्छा लगता है, चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो, काम हो या फिर कुछ भी हो, काम मेहनत करने में भी अच्छा लगता है जब अपनी फैमिली के साथ हम। तो आज का दिन तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहा, बस आस्था के पापा वहाँ चंकरी में नहीं थे, यही थोड़ा सा था। और यहाँ पर देखिए आस्था अगरबत्ती लगाने के लिए बिल्कुल व्याकुल हो रही है और कह रही है मैं पूजा तो करके रहूँगी, तो मैं कहा ठीक है आप कर दो पूजा, और बाहर भी पूजा करी जाती है, हमारे घर के बाहर भी देवी देवता हैं, हमारे घर के बगल में ही, मैंने पहले भी वीडियो में आप सभी को बताया था कि हमारे घर के जस्ट बगल में ही भगवान जी हैं, तो उन्हें भी हम समय समय पे सफाई वहाँ करते रहते हैं और दिया हमेशा ही जलाते हैं हम यहाँ पे। तो ये देखिए बिल्कुल हमारे घर के बगल में ही हैं, और दीपावली के अवसर पर ना इन्होंने लोगों ने इन्हें मतलब पुताई उताई करके चमका सा दिया था, तो यहाँ पे आस्था इन्हें अगरबत्ती लगा के अगरबत्ती रख देगी यहाँ पे, और पूजा कर लिया है इसने अब,
और अब चलते हैं कमरे की तरफ। तो ना ये भी संस्कार की ही बात होती है कि बच्चा जो है नहा के आने के बाद ही तुरंत अगरबत्ती ये सब लगाने लग गया। तो मेरी बेटी इन सब चीज़ों में बहुत वो है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आज, तो और ज़्यादा ही अच्छा लगा। नाज जो है ना वो फैलाना भूल ही गई थी मैं, और अभी आके मैंने फैलाया है। कल भी नहीं सूख पाया था और ना आज सूख पाया है, तो नाज भी यहाँ पे फैला दिया है। और कपड़े भी मैंने सारे जो है देखिए डाल दिए हैं, और इधर एक कपड़ा डाल दिया है। तो वीडियो का एंडिंग यहीं करते हैं, और मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।